अभी बिजनेस कर सकते हैं, 10-20 हज़ार का तेल ले लो, कल को 30 हज़ार बेचेंगे, 10 हज़ार का मुनाफा है, बांट के खाएंगे मिल बांट के खाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग, करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बढ़िया है ना। बाकी अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9, जस्ट अभी उठ रहा हूँ, वीडियो कल रात को एडिट कर ली थी, वीडियो एक्सपोर्ट पे लगा दी है और सबसे पहले आके व्लॉग ही कर रहा हूँ। आज फिलहाल बहुत सारे काम है, बाइक की सर्विस करानी मैंने अपनी, हेयर कट कराना है और घर में भी काम चल रहे हैं, 2-3 चीज़ें आने वाली हैं घर के सामान की, तो सब देखना है मैंने, क्योंकि पापा भी ऑफिस जा चुके हैं, भाई भी जा चुका है कहीं काम से। और अभी पहले मैंने हेयर कट कराता हूँ, फिर आके नहाऊंगा और खाना खाना है, बहुत सारे काम पहले, मतलब फिलहाल मैं हेयर कट करा लाता हूँ और बाइक सर्विस के लिए जाता हूँ, लेकिन पहले मैं देखता हूँ कि कौन आएगा मेरे साथ, क्योंकि फिर बाइक छोड़ के आनी है, फिर वहाँ से पैदल तो आऊँगा नहीं, किसी को साथ ले जाता हूँ। सो गाइस, अभी हम बाइक दे आ चुके हैं सर्विसिंग के लिए और मैंने द्विवेदी जी को बुला लिया था मुझे लेने के लिए, 1-1.5 घंटे में सर्विसिंग हो जाएगी, फिर द्विवेदी जी को दोबारा बुला देंगे कि गाइस हमारी गाड़ी ले आओ, मतलब सॉरी बाइक ले आओ। तो अभी फिलहाल मुझे द्विवेदी घर छोड़ रहा है यार, अभी घर में पत्थर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं तो वो भी रिसीव करनी है। गाइस अभी मैं बाल बाल कटा के घर आ चुका हूँ और बाइक सर्विस के लिए भी आया हूँ, अभी घर में सीढ़ियों के पत्थर आ चुके हैं थोड़े बहुत, अभी बाकी थोड़े बहुत और बचे हैं, एक चक्कर और आएंगे तब पहुँचा जाएंगे, और नीचे चल रहा है गेट का काम, ऊपर चलिए पीओपी दिखाया था आपको, आज इसे स्टार्ट हुई है पीओपी। तो गाइस अभी चल रहा है पीओपी, आज ये वाले कमरे में तो फिनिश हो जाएगी, कल मेरे वाले कमरे पे होगी मेन जो कमरा है बाहर वाला, उसके लिए तो मैंने तगड़ा डिज़ाइन रखा है। और अभी बस मैं जाता हूँ, पहले बाइक सर्विस कितनी करी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि हिसाब से कराई जाएगी सर्विस तो फिर मज़ा आएगा। फाइनली बाइक सर्विस करा के आ चुके हैं, बाकी अब जो बाइक चल रही है ना, कैसे मक्खन तुम तो डार्क में आए, खैर तुमने कहाँ देखा, हमने देखा ना, बड़ा मज़ा आ रहा था चलाने में, मतलब बहुत टाइम से सर्विस नहीं कराई थी ना, वैसे चलाता भी कम ही उसको, तो अभी सर्विस करा के ऐसी चल रही है, मतलब मज़ा आ जाएगा अब तो, मतलब यार आज ज़्यादा ही लंबा ही खर्चा हो गया, इसमें बहुत चीज़ें ख़राब हो रही थी, सब उसे करा लिया तो लंबा खर्चा हो गया, लेकिन अब जो चलेगी रोडों में, मतलब दौड़ेगी ये। अभी टाइम हो गया है दिन के 2:32, बाकी मैं अभी बाल कटाने के बाद नहाया भी नहीं था, तो फिर अभी नहा धो के और अभी मैं आ चुका हूँ बाकी कोचिंग पे वीडियो अपलोड करने के लिए, वीडियो अपलोड पर लगा दी है, हो रही है वीडियो अपलोड, और मेरे को लैबी से कुछ काम था, मैंने देखना था कि मेरा कितना मोस्ट टाइम आर बचा है अभी, तो वही मैं देख रहा हूँ, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद चल दूंगा घर, घर में थोड़ा बहुत काम देखूंगा, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लूँगा, और आज शाम से योगा भी जाना है, तो देखते हैं क्या होता है कैसा होता है, बाकी फ़िलहाल वीडियो अपलोड पे लगा दी है, हो जाएगी फिर घर चलते हैं। अभी हमारे घर में मेहमान आए हैं कमल और मुन्ना, घर का काम देखने। सो गाइस, कैसा हो रहा घर का काम? बहुत बढ़िया, आप दर्शकों को दिखाएं, तुम्हें दिखाएंगे, बहुत बढ़िया, कैसा हो रहा काम? बहुत बढ़िया। और अभी चीफ गेस्ट योगेश टाकली जी पहुंच चुके हैं हमारे बीच में, और आज यूपी अंधाल कमरे में हो चुकी है, और ये वाले कमरे में कल से होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाले कमरे में पूरी कंप्लीट हो चुकी है पीओपी, ये और ये, और कल से इस कमरे में होगी, तो आज वो ये जो बातें अपना पहाड़ वगैरह ये बात गए हैं ये कमरे में होगी, और यहाँ टकाई मार गए हैं, जो आपको स्पॉट दिख रहे होंगे टकाई कहते हैं इसे, तो कल इस कमरे में होगी, इस कमरे के लिए तो मैंने अपने खुद का डिज़ाइन बनाया है, उस हिसाब से होगा काम, बाकी ऐसे जाना पड़ रहा है यहाँ से नीचे, और यहाँ पर देखो सनसेट देखने हम छत में आ चुके हैं, वो कहाँ गए तो बंदर, और यहाँ से आप रात को ये बंद कर दूँगा उसको कुछ बात करें पाइप में लटकना, और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से क्या ही तगड़ा व्यू आ रहा है, सनसेट बहुत प्यारा होता है यहाँ से। गाइस ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं सुधरेंगे, क्या सुधरोगे तुम बताओ, जल्दी बताओ क्या सुधरोगे, कहाँ ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे हमको नीचे को आ गए ढूंढने हैं क्या, ऊपर से नीचे आ गए भाई, ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, कहाँ जा रहे हो तुम नीचे कहाँ बताओ, जल्दी बताओ तुम नीचे को कहाँ को जा रहे हो, ये 17 पॉइंट होगा, कितना चलेगा वही चलेगा, 200 का खत्म हो जाए, आना बंद हो जाए, फिर पैदल चलेंगे और क्या है, बिल्कुल सही बात, पैदल चलने के दिन आगे बात। अभी एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि आज शाम से या फिर कल सुबह से पेट्रोल 12 से 15 रुपए महंगा हो रहा है, तो अभी मैंने पापा के उसमें तो पेट्रोल डाल दिया और टैंकी फुल करा दी है, और अब बारी है मेरी बाइक की,
तो अपनी बाइक की आज मैंने सर्विसिंग कराई है, सोच रहा हूँ कि इसकी टैंक भी फुल करा लेता हूँ। तो क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा होगा तो फिर 150 लीटर पहुँच जाएगा, 150 रुपये लीटर, तो उससे बढ़िया टैंक फुल करा लेते हैं फर्स्ट क्लास, फिर घूमेंगे मस्त तरीके से। घूमने का हमारा काम है ही और नाम हमारा ऊपर से घुमक्कड़ हिमांशु। गाइस देखो ये घुमक्कड़ हिमांशु ये क्या खाते हुए, इक्का छाप खाते हुए पकड़े गए हैं। देख लिए दांत पीले हो रहे हैं इनके। जब से पेट्रोल महंगा होने की खबर आई है तब से लोगों में भय संकट बढ़ चुका है, और अभी मैंने अपनी बाइक में भी लगभग टैंक फुल करा ही दिया है क्योंकि अगर कल से महंगा हो गया तो घूमना फिरना सब बंद। कम से कम अगर महंगा होगा अब सीधे 150 ही आएगा, पहले 109.7 गया था, अब सीधे 150 ही आएगा। तो इससे बढ़िया टैंक फुल कराएंगे, आराम से घूमेंगे, घामेंगे तो क्या, आप काम से निकलेंगे, अब आवारा घूमना बंद, काम से जाना शुरू। और अब चल रहे हैं घर, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, घर जाके अभी मम्मी लोग दिल्ली जा रहे हैं तो घर जाके थोड़ा बहुत जो काम होगा वो काम करेंगे। देखते मैं तीसरी गाड़ी भी ले आया हूँ, दीदी की स्कूटी मैं भरा के ला रहा, ताऊ जी ने कहा कि इसमें भी भरा ला। बाकी अगर कल पेट्रोल महंगा नहीं हुआ तो सबने कुल मिला के गाली मुझे ही देनी है, क्योंकि इस बड़ी समझ रहे हो तुम, कुल मिला के सब गाली मुझे देनी है। वैसे जहाँ तक है ये कन्फर्म है क्योंकि न्यूज़ में भी आया था कि कल से पेट्रोल महंगा हो सकता है, वो भी 15 से 18 रुपये, तो ठीक ही है, आप लोग राजी है। बाकी स्कूटी तो टैंक ही फुल हो चुकी है पूरी, 200 रुपये में देख रहे हैं, 200 रुपये टैंक फुल हो गया पूरा। तो अभी चल रहे हैं घर को, हाँ अभी देखता हूँ अगर 2-3 दिन और स्कूटी देते हैं कमीशन। बड़ी अभी बिजनेस करने का टाइम है, अभी बिजनेस कर सकते हैं, 10-20 हज़ार का तेल ले लो, कल को 30 हज़ार बेचेंगे, 10 हज़ार का मुनाफा है, मिल बांट के खाएंगे। लेकिन हम पे तो 10 हज़ार रुपये भी नहीं है, 20 हज़ार की बात कहाँ कर रहे हो। चुपचाप बिजनेस करने की हम सोचते नहीं है, चुपचाप घर जाते हैं, काम करते हैं, एडिटिंग करते हैं, सो जाते हैं और कल दोबारा से व्लॉग करेंगे। अभी टाइम हो चुका है 8:00 और अभी मम्मी पापा दोनों जा चुके हैं दिल्ली के लिए। मम्मी का रूटीन चेकअप होता है तो अभी इस बीच में थोड़ी तबीयत भी ख़राब हुई तो रूटीन चेकअप कराना जरूरी था, हर महीने कराना होता है, पिछले महीने भी गए थे चेकअप कराने तो इस महीने भी जाना था। इस बीच में वैसे तबीयत ख़राब थी नहीं, पहले थी तबीयत ख़राब लेकिन आजकल ठीक हो गई थी, लेकिन दिखाने जाना था तो तब जाना पड़ा। बाकी आज तो खाना मम्मी पापा लोग ही बना गए हैं, कल शाम दो टाइम खाना खुद ही बनाना है और बहुत सारे काम भी करने हैं कल। कल तो मैं कहीं जाने वाला हूँ नहीं, तो अभी पहले खाना ना खा लेता हूँ, बर्तन धो लेता हूँ, फिर जाके आराम से बैठ के एडिटिंग करूँगा और फिर सो जाऊँगा। और मतलब खाना तो वैसे ने खा लिया है, बर्तन धोने हैं और 2-4 काम हैं वो निपटाने। गाइस अभी टाइम हो चुका है 9:30 और अभी डिनर वगैरह करके काम सब करके बर्तन धो के और जो भी काम थे सब निपटा नुपटू के आ चुका हूँ बेड पे, अब करता हूँ एडिटिंग और फिर उसके बाद सो जाऊँगा। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड अप करते हैं, होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बाकी क्या है, बाकी मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बाय बाय।